हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज आरती मिश्रा। सबसे पहले आपको बता दूं गाइस कि हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप टॉप 10 का कोड यूज कीजिए, बिकॉज इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप इस कोड से कोई भी क्लास, कोई भी कोर्स, कोई भी बैच, किसी भी टीचर को कभी भी सुन सकते हो, देख सकते हो, लाइव रिकॉर्डिंग, अनलिमिटेड एक्सेस विथ मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड टॉप 10। सो हमारा नया फाउंडेशन बैच आ चुका है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। ऑप्शनल कार्निवल ज्वाइन कीजिए, फ्री है बिल्कुल, और फ्री में अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे 11 बजे आप दे सकते हैं। तो इसको भी एनरोल करने के लिए टॉप 10 का ही कोड आपको यूज करना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो कि आपको अपने एग्जाम में 70% क्वेश्चंस जो आने वाले हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, उसको गेस करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप गेस कर पाओगे। देखो, प्रीलिम्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो सीक्रेट है 70% तो नहीं, बट यस 40% इट कैन हेल्प, बट मेंस के लिए इट विल हेल्प यू 70% डेफिनेटली। ठीक है, कैसे? नाउ अंडरस्टैंड, प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ही डिमांडिंग और चैलेंजिंग जर्नी होती है ये। तो आपको ये जरूरत है कि प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले नंबर 1 स्टेप इज यू कंप्लीट योर एनसीईआरटीज, नंबर 2 इज यू कंप्लीट ऑल योर जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, सभी टेक्स्ट बुक्स को कवर करो। नंबर 3 इज रीड न्यूज़पेपर डेली, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ो और 1 साल की सभी मंथली मैगजीन्स को पढ़ लो एग्जाम देने से पहले ये काम आपको कर लेना है। तो एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के अलावा न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स। ठीक है, अब गेस कैसे करेंगे? आपने देखा ही होगा कि आपके न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का पेज आता है, तो आपके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो अपने आप में एक मेंस का आंसर होते हैं। और अगर एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है ये समझना आप चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप एडिटोरियल को देखो। अगर आप इस एडिटोरियल को देखोगे तो एडिटोरियल की हेडिंग्स में ही आपके मेंस के क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, और एडिटोरियल की हेडिंग के साथ में जो पूरा आर्टिकल है वो आर्टिकल ही उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो 70% क्वेश्चंस आप समझ जाओगे कैसे। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में दो छोटे छोटे एडिटोरियल्स आते हैं और एक बहुत बड़ा सा एडिटोरियल आता है। ये जो बड़ा वाला एडिटोरियल होता है ये एसए के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मेंस में एसए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो टॉपिक्स आते हैं वो 90% इसी टॉपिक से मैच कर जाते हैं जो कि एडिटोरियल में, द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। और आप में से जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि मेंस में एसए राइटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसी एडिटोरियल के ही टॉपिक से लिए जाते हैं। बाकी आपके मेंस का जो 30% पार्ट जीएस पर डिपेंड करता है, वो जीएस के स्टैटिक बुक्स को पढ़े बिना, यानी इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़े बिना कवर नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के अलावा आपके पास एथिक्स का एग्ज़ाम भी है, आपके पास अपने 2 ऑप्शनल के पेपर्स भी हैं और आपके पास एक एसे राइटिंग का भी पेपर है। तो आप तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा बिना जीएस के स्कोर नहीं कर सकते, पर मेंस में एथिक्स और एसे से 500 मार्क्स का एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पॉइंट आपको मिल जाता है, और 500 मार्क्स का आपको ऑप्शनल से मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपने ऑप्शनल पे कमांड करो
अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ो, एसे को आप तो यहाँ से देख ही रहे हो कि यहाँ के टॉपिक्स रिपीट होते हैं, और जीएस पेपर 4 के लिए अच्छे आइडियाज़ और अच्छा कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। तो ये 1000 मार्क्स तो आपके फ्री हो गए ना, समझो आप कि आपके लिए ये 1000 मार्क्स तो कुछ एक्स्ट्रा है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। सो यू मस्ट यूटिलाइज इट, गो फॉर इट एंड यूज़ माई कोड TOP10। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो मुझे बताइए कि आप और कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पहले से ये बात जानते हैं और उन्हें पता है और वो बहुत रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आप कल को न्यूज़पेपर ना छोड़ो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप न्यूज़पेपर छोड़ते हो तो आप अपने बहुत सारे कंटेंट को मिस कर देते हो। सो एडिटोरियल का पेज ही वो सीक्रेट पेज है जो कि आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूज़ कीजिए मेरा कोड TOP10 टू गेट अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन विद मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरा एक 25 डेज का क्रैश कोर्स भी आ चुका है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको साइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा केवल 25 दिनों में कवर करता है सब कुछ। रैपिड रिवीजन जीएस क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।